हापुड़ की चंडी रोड पर स्थित श्री चंडी मंदिर में शुक्रवार की सुबह आए भक्तों ने एक युवक को मंदिर परिसर में नमाज पढ़ते देखा, जिसके बाद ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। मंदिर समिति के पदाधिकारी और अन्य नेता मंदिर में पहुंचे और पुलिस को मामले से अवगत कराया। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू कर दी। जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। चंडी मंदिर में यहाँ पे संज्ञान में आया है, मैंने और एसपी साहब मंदिर कमेटी के साथ और जो सभी लोग उस समय मौजूद थे उनसे बात की है और उनके बयान भी लिखे हैं और अभी मैटर की जांच की जा रही है। सीसीटीवी की अभी जांच पड़ताल चल रही है। अब बहुत लोग हमें 3-3.5 बजे से आनी शुरू हो रहा है, किसी के नहीं जानते, बस हम फेस से जानते हैं सबको। वो कहने लगे देखो नमाज पढ़ रहा है, तो शायद कोई बच्चा है नमाज पढ़ रहा होगा, पैसे कर रहा होगा, कुछ भी हासिल नहीं है। मैं कह रही नहीं देखो बाहर नमाज पढ़ रहा है, मैं आई यहाँ तक देर तक, मैंने देखा हाँ वो पढ़ रहा था नमाज, तो मैं कहने लगी तो गलत है। तो मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी वो नमाज पढ़ रहा है, उससे कुछ कहो बाहर चला जाए। वो कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले रहा है। श्री चंडी मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष नवनीत अग्रवाल का कहना है कि चंडी मंदिर प्रांगण में नमाज पढ़ी गई, तहरीर दी जा रही है। ये गरीब का टाइम उसमें आ रहा है, बाकी हमने तहरीर दे रहे हैं, बैठे हैं सब लोग, तहरीर हम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रशासन कार्रवाई करेगा। पुलिस में हम तहरीर दे रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई करेगा, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करवाई गई, नमाज पढ़ी गई है, यहाँ पढ़ी गई है। भाजपा के शहर अध्यक्ष विनीत दीवान का कहना है कि मंदिर के प्रांगण में शुक्रवार के तड़के नमाज पढ़ी गई, ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आरोपी को सजा होनी चाहिए। मैं पहले आपको बता दूं, हापुड़ का ये प्राचीन सिद्धपीठ माँ चंडी महारानी का ये मंदिर, जब से हापुड़ है तब से हापुड़ का चंडी मैया का मंदिर, और ये लाखों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये हापुड़ में बहुत दूर दूर से लोग हैं चंडी मंदिर में दर्शन करने आते हैं। चंडी मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे संज्ञान में ऐसा आया है कि सुबह को लगभग 4:42 पर चंडी मैया के इस मंदिर के प्रांगण में नमाज पढ़ कर गया है, पुलिस जांच कर रही है। मैं आप लोगों को और शहर की जनता को ये बता देना चाहता हूँ, ऐसी घटना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर वो दोषी पाया गया तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चंडी मंदिर में नमाज अदा करने के मामले में पुलिस ने एहतियातन के तौर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है, साथ ही मंदिर के बाहर वज्र वाहन को भी तैनात किया गया है। मंदिर में मौजूद पदाधिकारियों, नेताओं और भक्तों ने मंदिर के परिसर को गंगाजल से धोया, जिनका मानना है कि ऐसा करने से मंदिर परिसर शुद्ध हो गया है। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा, एएसपी हापुड़ मुकेश कुमार मिश्र, हापुड़ क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया, हापुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी की डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर। इस दौरान भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल चोटी, विवेक गर्ग, अरुण अग्रवाल, रविंदर पोपट, ऋतिक त्यागी, शुभम गोयल, मनोज आदि ने जय श्री राम के नारे लगाए।